अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ रायता। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक कद्दू को कद्दूकश कर लिया, अब इसको उबाल लूँगी। तकरीबन एक गिलास पानी में मैं इसको डाल दूँगी, क्योंकि ये मैंने कद्दूकश किया हुआ है इसलिए ये ज़्यादा जल्दी जो है वो पक जाएगा। चलो जी, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो देखते हैं। चलो जी, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने दही ले लिया है, अब इसको अच्छे से मैं ब्लेंड सा कर लूँगी ताकि जो है उसके अंदर कोई लम्स ना रहे। चलें जी, ये तो हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ टमाटर। व्यूअर्स, ये हैं 2 अदद खीरे हैं मेरे पास, ये भी 2 अदद हैं, इनको मैंने काट लिया। थोड़ा साइज़ बड़ा रखा है, आप चाहें तो छोटा साइज़ भी रख सकते हैं। साथ में डाल दूँगी ग्रीन चिली और हमारे पास जो धनिया है और प्याज, और लास्ट पे मेरे पास बॉईल हुआ हुआ आलू टमाटर पोटैटो भी हमने अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स देखें कितना रंग बिरंगा हो गया, मगर फिर भी किसी चीज़ की तो कमी है। जी हाँ, हमारे स्पाइस, ये जी साल्ट, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, वैसे आपको जितना पसंद हो आप उतना ही डालिएगा। बस ये मेरे पास ऑल पर्पस मसाला है, थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। इसमें सूखा धनिया और सारे मसाले इसके अंदर ही हैं, और 1/2 चम्मच है मेरे पास लाल मिर्ची। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये उबल रहा है। ये आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये कैसे बनता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, मगर कोई बात नहीं। आप मेरा साथ रहें, मेरी वीडियो के साथ रहें। अगर आपको और वीडियो चाहें तो मेरी वीडियोस को फॉलो करें। आप चाहें तो और भी चीज़ें इसके अंदर कद्दूकश करके डाल सकते हैं, या आप जो भी कहें से बिल्कुल, तो जैसे कि आप एप्पल ही आपसे खा होता है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको जो है मुश्किल लगता है थोड़ा सा चबाने में, तो आप उसे कद्दूकश करके दे दें, वो ईज़िली इसको खा सकेंगे। इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं तकरीबन ये गलने वाला ही है, इसको तकरीबन 2 मिनट की और ज़रूरत है, इसके बाद ये गल जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो हमने एक प्लेट ली है, उसके ऊपर हमने टोकरी रख दी है, ये आप छाननी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर इसको पलट दूँगी। व्यूअर्स आप थोड़ा सा दबा के देखिए, अगर ये ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब है ये गल गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। और ये देखें जी, हमारा तैयार हो गया है बहुत ही आसानी तरीके से है जी। 2 मिनट लगते हैं इसमें। सो व्यूअर्स, ये जी हमारा तैयार हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ले ले जी निकल आए भाई। अब मैं जो इसका सारा है ना वो टोकरी में डाल देती हूँ, किसी अलग चीज़ में, जिसमें ये ठंडा हो जाए जल्दी से और हमारी वीडियो पूरी हो सके, ठीक है। सो देखें कैसे अजीब सा हो गया, हमने सारा निकाल लिया। तो जी हम इसको पंखे के नीचे ठंडा कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसी के प्लेट के अंदर इसको पंखे के नीचे ठंडा कर लेती हूँ, ताकि ये हमारा जो दही है वो ख़राब ना करे। वैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी है, आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, ये ठंडा भी है और टेस्टी भी है, और ये आप घर में इजीली ये बहुत जल्दी बन जाता है। चीज़ें काटे इसके अंदर डाल दें, सिंपल, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा बनता है। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दें। सो व्यूअर्स, एक और इंग्रेडिएंट है हमारे पास, ये है जी साबा ज़ीरा,
तो अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, मगर ये दही में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप घर में बनाएं तो इसको ज़रूर डालें। चावल भी इसके बड़े अच्छे लगते हैं रायते के साथ, और ये भी बहुत अच्छा है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और टेस्ट तो डबल हो जाता है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। वैसे आप रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो ये ठीक होता है। सो व्यूअर्स अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अभी तो ये रायता थोड़ा खाली खाली लग रहा था, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत ही आला। अब ये कहीं से भी नहीं लग रहा है, ये खाली खाली है, ये परफेक्ट हो गया, बहुत अच्छी। आप इसका नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको जैसे लगे, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। बहुत यम्मी है। ये देखें व्यूअर्स कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़ेदार है। व्यूअर्स अगर आपको मेरे ये सलाद रायता पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।